ये जो टॉपिक है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो वजह है जिसकी वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया है वो ये है कि मैंने पाया है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो इस वाली चीज के बारे में सोचते ही नहीं, और ये वो टूल्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इस चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता देता हूं कि आपको इस सेशन में क्या क्या मिलेगा। आप बिजनेस डेटा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, दिस इज नंबर वन। नंबर टू, आप कैसे पैसे और टाइम बचा सकते हैं बिजनेस नंबर्स को इस्तेमाल करके। नंबर थ्री, आपको बिजनेस नंबर्स की बुक दूंगा मैं और आपको बताऊंगा कि भी इस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, तो प्लीज वेट करिएगा। ये सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं और आज का सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम लोग जब इस सेशन की बात करते हैं, सबसे पहले ये बता देता हूँ ये किसके लिए नहीं है। ये सेशन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो इजी टिप ढूंढ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो आते हैं, सर कोई टिप्स दीजिए ग्रो करने की, ये उनके लिए नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पे कोई इजी टिप नहीं मिलेगी। ये उनके लिए भी नहीं है जो बिजनेसमैन एफर्ट नहीं मानना चाहते लेकिन चाहते हैं हमारा बिजनेस ग्रो कर जाए, जो विराट कोहली की तरह मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन चाहते ही है कि हमारे पूरे इंडिया में बिजनेस हो। तो ये सेशन किसके लिए है? ये सेशन उन लोगों के लिए है जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने का। दूसरा, ये उनके लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और तीसरा, उनके लिए है जो बिजनेसमैन उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो उन्हें सिखाई गई हो। तो इस सेशन में जो आपको मिलेगा वो बहुत ही ग्राउंड लेवल की नॉलेज मिलेगी जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इससे पहले मैं इस टॉपिक में बढ़ूं, एक फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस ग्रोथ को भूल जाते हैं, सिर्फ एक ग्रोथ समझते हैं कि यार ग्रोथ आती कैसे, किसी भी चीज को जब हमें ग्रो करना होता है तो किस तरीके से करते हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे समझिएगा, क्योंकि अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लिया तो आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे और आप फिर चीजों को कायदे से करना शुरू कर देंगे। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ रमेश जी से। रमेश जी एक स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, आप देखेंगे काफी उदास से हैं। सो रमेश जी के 70% मार्क्स आए। अब रमेश जी ने क्या करा, रमेश जी आपके पास आए और रमेश जी ने कहा कि भैया मुझे 90% मार्क्स चाहिए, तो क्या करना है, मुझे ग्रो करना है। कुछ आप ही की तरीके की प्रॉब्लम है, मुझे मेरा बिजनेस आज यहाँ पे है, मुझे इस जगह पे लेके जाना है, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना। तो ग्रोथ को समझते हैं इस वाले एग्जाम्पल से कि हम लोग यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते। तो देखते हैं भाई यहाँ पे पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या है। भाई पॉसिबल ऑप्शंस मेरे पास ये हैं कि भाई रमेश जी आएंगे तो हम उनसे कहेंगे बेटा, कोई जनरल सजेशन है, जब बच्चा अच्छा नहीं करता तो बेटा ज्यादा मेहनत करो। कोई उन्हें राय देगा कि यार और पढ़ाई करो, कोई कहे यार खेलो कम और पढ़ो ज्यादा, तभी तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। कुछ इस तरीके के सजेशंस मिलते हैं। लेकिन जरा रमेश जी की नजर से सोचिए, क्या ये चीज उन्हें कायदे में मदद करती है? इस चीज से रमेश जी की मदद नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे उन्हें कोई रास्ता मिले कि आगे कैसे बढ़ूं, क्या करूं। ये तो जनरल सी बात है, तो जनरल सी बात से तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो देखते हैं कि हम रमेश जी को कैसे ग्रो करवा सकते हैं। इस वाली चीज को, इस बेसिक चीज से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने स्टेप वन रमेश जी का ये चीज जाने कि भाई आज कहाँ हो रमेश जी, ऐसा करो आप मेरे पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आओ, तभी हमें पता चलेगा आगे क्या करना है। तो रमेश जी ने क्या किया, रमेश जी रिपोर्ट कार्ड लेके आए और रमेश जी का जब हमने नंबर देखे तो हमने पाया कि रमेश जी के मैथ में 50 नंबर है, साइंस में रमेश जी के 50 नंबर है, इंग्लिश में 90 नंबर है, सोशल साइंस में 80 नंबर है और हिंदी में 80 नंबर है। तो अब जब हमें गोल मिला कि भाई रमेश जी को जब 90% मार्क्स चाहिए तो रमेश जी के पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर उन्हें 90% तक पहुंचना है तो रमेश जी क्या करेंगे, किस जगह पे मेहनत करेंगे। तो जो पहला सेंटेंस था कि भाई पढ़ाई ज्यादा कर लो उससे तो काम नहीं होगा, तो थोड़ा सा हम स्पेसिफिक डिटेल में जाते हैं कि रमेश जी के पास क्या क्या ऑप्शन है। मैथ्स में इनके 50 हैं, साइंस में इनके 50 हैं, तो भाई इन्हें मैथ और साइंस वो चीज है जिसमें इन्हें थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश में इनके 90 हैं, तो शायद इंग्लिश इनकी ओके चल रही है, इसमें ज्यादा मैं नहीं सोचूंगा। सोशल साइंस में इनके 80 हैं और हिंदी में 80, तो ये भी ओके ओके, मतलब इन नंबरों को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना है और थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाने से इनके क्या होगा, इनके जो मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से बढ़ जाएंगे।
अगर आप दिमाग से सोचिए, आप लोगों को अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप किस जगह पे अटैक करेंगे भाई? ऑब्वियसली हम लोग इनसे कहेंगे भैया ऐसा है कि आपको अगर मार्क्स अपने बढ़ाने तो मैथ और साइंस में मेहनत करो भाई, उसमें तुम काफी कमजोर हो, क्योंकि अगर मैथ के अगर ये उठा के 50 से 70 भी ले आए, ये वाले जो मैथ्स के नंबर है इन्हें 50 से 70 कर दें और साइंस को 50 से 70 कर दें, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो इनकी करंट परसेंटेज है 70% की, वो उठ के बेटर हो जाएगी। यानी कि हमें इनसे ये कहना पड़ेगा भैया इनकी या तो ट्यूशन लगा दो, इनकी या तो ट्यूशन लगा दो, या इनके साथ बैठो और मैथ और साइंस पर मेहनत करो, ये इनका सबसे कमजोर इलाका है जहाँ पे इन्हें काम करना चाहिए। तो भाई हमारी स्ट्रेटेजी क्या हुई कि रमेश जी को मैथ्स पे काम करना चाहिए और साइंस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये वो दो चीजें जो इनके कमजोर एरिया। अब मुझे बताइए क्या इससे काम हो जाएगा? इससे शुरुआत हो जाएगी लेकिन काम नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ क्यों काम नहीं होगा। सो इसका आंसर है नो, इतना काफी नहीं है इनके मार्क्स को बढ़ाने के लिए। ये वाली जो चीज है ये अपने आप में काफी नहीं है, क्योंकि अगर कोई कायदे का आदमी होगा जो इनके पीछे पड़ेगा, जिसे ग्रोथ लानी हो, वो क्या कहेगा? या मैंने इसका एडमिशन तो करा दिया लेकिन अब मैं पता कैसे करूं कि ये प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आपने क्या कहा कि ऐसा करो, रमेश जी का ना मुझे वीक बाय वीक, वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर का डेटा दे दो, नंबर दो, उससे मैं पता लगाऊंगा कि इनकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। तो भाई हमने इनके नंबर देखे, इनकी वीकली टेस्ट होते हैं रमेश जी के, तो हमने देखा टेस्ट में रमेश जी के पहले 50 आते थे, वीक वन में 60 आए, वीक टू में 65 आए, वीक थ्री में 80 आए, वीक फोर में 83 आए। तो हमें इस वाली चीज से यह समझ में आ गया कि हाँ भाई, जो हमने एक्शन लिया है, जो हमने इनको स्ट्रेटेजी सजेस्ट करी है, वो वाली स्ट्रेटेजी काम कर रही है। और क्या हो रहा है, रमेश जी जो है वो सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। नहीं तो हम ये करते कि 3 महीने बाद रिजल्ट देखते, पता चलता कि रमेश जी के नंबर ही सही नहीं आए, फिर आप क्या सोचते, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। सो हम लोगों को क्या करना होता, पहले सही स्टेप लेना होता है, उसके बाद उसका एक तरीका बनाना होता है नापने का, और वो ताकत हमें कौन दे रहा है, ये नंबर दे रहे। आप देखिए मुझे रमेश जी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है, मैं रमेश जी से सिर्फ ये वाला डेटा लेता रहूंगा तो मुझे पता चल जाएगा रमेश जी काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे उनके साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं उनकी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये नंबर देखते रहो, मुझे पता चल जाएगा ये उस जगह पहुंच रहे, क्योंकि हमारा मकसद है उन्हें 90% मार्क्स दिलाना। आप देखेंगे मैथ में वो उस जगह पे पहुंच रहे हैं, साइंस में भी उतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा लेकिन फिर भी बेटर है पहले से। सो मुझे पता चल रहा भाई इनकी जो चीज है वो सही है। अभी जो मैंने आपको अप्रोच बताई है, दो तरीके की अप्रोच होती है। सबसे पहली अप्रोच आपको बताता हूँ, ये अप्रोच क्या है, लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का क्या मतलब, लैगिंग इंडिकेटर का मतलब जो पीछे चलते हैं, जो समय से पीछे चलते हैं। तो लैगिंग इंडिकेटर इस वाले केस में एग्जांपल क्या होता, रमेश जी का जब हमने कोचिंग में एडमिशन करवाया तो 3 महीने बाद हमने रिजल्ट देखा, तो 3 महीने बाद यह हो सकता है कि भाई रमेश जी के नंबर हो सकता है 70% से ऊपर आए या 70% से नीचे आए, लेकिन वो वाली इंफॉर्मेशन मुझे कब मिलेगी, 3 महीने बाद मिलेगी। तो मैंने क्या करा, 3 महीने का टाइम खो दिया, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन हमने जो इनके लिए बनाया अभी, ये क्या है, लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब ये मुझे हफ्ते दर हफ्ते बता रहे हैं कि भाई क्या है कि जो हमारे रमेश जी हैं वो उस रास्ते पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। पूरी परसेंटेज को 70 से 90% ले जाने का जो हमें मकसद मिला है, वो वाली चीज जो है वो पूरी हो रही है। क्या कर रही है, लीडिंग इंडिकेटर है। अब इस चीज में कुछ चीजों पर गौर करिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छिपे हुए इस वाली चीज में। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, मुझे बताइए अगर हमें ये वाला डेटा मिल जाए तो क्या मुझे रमेश जी के साथ जाने की जरूरत है कहीं पे, रमेश जी के साथ खड़े होने की जरूरत है कहीं पे, क्या ये जानने की जरूरत है रमेश जी स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एज लॉन्ग एज मुझे पता है ये जो मैं नंबर देख रहा हूँ स्क्रीन पे, ये नंबर सच है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस हो रही है। ये वाले जो नंबर होते हैं ये हमें क्या एबिलिटी देते हैं, ये नंबर हमें एबिलिटी देते हैं क्या करने की, दूर बैठ के चीजों को एनालाइज करने की और सच जानने की। नंबर किसी भी चीज का सच होता है, और ये हमें एबिलिटी देता है कि किस जगह काम करना है और किस जगह काम नहीं करना है। इसी का एक एग्जांपल और है, उसे समझते हैं, आपकी लाइफ में होगा, जैसे आप कभी आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है आपकी, आप ऐसा करो ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, जो ब्लड रिपोर्ट की रीडिंग है, उसने कहा अपना हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा लो। तो आपने कहा हीमोग्लोबिन का टेस्ट,
सो मान लीजिए हीमोग्लोबिन की जो रेटिंग थी वो थी 50 से 100 जो होती है वो नॉर्मल होती, तो जब आपने टेस्ट कराया तो आपने देखा कि आपकी हीमोग्लोबिन की रेटिंग 40 थी, तो आपको डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि यार आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो डॉक्टर क्या कहेगा आपसे, कहेगा भाई ऐसा करो ये वाली दवाई ले लो और मुझे 2 हफ्ते बाद आके मिलना और ये टेस्ट लेके आना। तो आपने क्या करा, 2 हफ्ते बाद गए, आपने वाली दवाई खाई और 2 हफ्ते बाद जब आप लौट के आए तो आपने जब अपने हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया, जो आपकी पहले रेटिंग 40 थी वो क्या हो गई अब 70 हो गई, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ भाई जो मैंने एक्शन लिया वो सही था। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई आपने दवाई ली 2 हफ्ते, जब आपने ब्लड टेस्ट लिया तो आपकी रीडिंग 40 की 40 रही, तो डॉक्टर को क्या समझ में आएगा, डॉक्टर को समझ में आएगा जो मैंने इनको इलाज दिया है वो वाला इलाज क्या है, काम नहीं कर रहा। इसमें डॉक्टर को आपके साथ रहने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नंबर देख के एक्शन प्लान तैयार कर रहा है और चीजों को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि नंबर जो है वो हमें एबिलिटी दे रहे हैं कि दूर से बैठे हुए मैं बहुत ही इंडिपेंडेंट जजमेंट लूं, इंडिपेंडेंट मतलब बिना बायस का, जिसमें कोई इमोशन नहीं है और सच जजमेंट ले रहा हूं। यह हो सकता है कि आपका जो डिसीजन है वो राइट हो या रॉन्ग हो, राइट, क्योंकि देखिए किसी के पास भी कोई मैजिक बॉल नहीं है, राइट, शीशे की बॉल की आपने उसमें देखा और आपको फ्यूचर पता चल गया, लेकिन आपके पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो ये देख के आपको बता दे कि भाई जो मैंने एक्शन लिए हैं वो एक्शन सही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं जा रहे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, इंडिकेटर चाहिए होते हैं, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर देखा है ना आपने, जब गाड़ी में जाते हैं लेफ्ट की जब बत्ती जलती है तो क्या होता है, लेफ्ट जा रहा हूं मैं, राइट, तो इसी तरीके से आपको इंडिकेटर चाहिए होते हैं, वो इंडिकेटर क्या करते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं क्या मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा। अब ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई, सो अब नेक्स्ट अप्रोच पे जाते हैं। अब मेरा आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन है कि वाली चीज हम बिजनेस में क्यों नहीं करते। मैं आपको बताता हूं मेरे पास कितने फोन आते हैं कि सर हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, ये वही वाली बात है रमेश जी जैसी कि सर हम अपनी परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं। हमने रमेश जी के केस में क्या किया, भाई रमेश जी के केस में हमने एक तरीका निकाला, भाई ये पता किया कहां कहां पे कमजोर है, उस चीज को आगे बढ़ाया। हम ये वाली चीज अपने बिजनेस में क्यों नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूँ 95 से 98% बिजनेसमैन रोज अपने बिजनेस में जाता है ये सोच के अपना बिजनेस ग्रो करूंगा, लेकिन पता नहीं होता कहाँ करूँ, जान लगाऊं कहाँ, ये पता ही कहाँ है हमें, ये तो वो वाली बात हो गई ट्यूशन पढ़ लो ज्यादा मेहनत करो तो बिजनेस ग्रो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता बिजनेस, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। अब इस वाली चीज को आप ऐसे समझिए, भाई बिजनेस में भी तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे रमेश जी के सब्जेक्ट थे मार्केटिंग थी, सेल्स थी, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, ऑपरेशन है, फाइनेंस है, एचआर है, परचेज, ये क्या रहे हैं, ये सारे बिजनेस के सब्जेक्ट भी तो हैं। भाई कौन सब्जेक्ट पर आप मेहनत करेंगे तो अलग तरीके के रिजल्ट आएंगे, किसी पे मेहनत करेंगे तो अलग तरीके के रिजल्ट आएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मार्केटिंग और सेल्स पे आप मेहनत करेंगे, अगर मार्केटिंग और सेल्स पे आप मेहनत कर रहे हैं तो मार्केटिंग का मतलब आप इस चीज पे काम कर रहे हैं कि भाई नए लोग कैसे लेके आऊं, नई इंक्वायरी कैसे जनरेट करूं, नई लीड कैसे जनरेट करूं, आप इस चीज पे मेहनत करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप सेल्स पे मेहनत करेंगे तो आपका कन्वर्जन बढ़ेगा, कन्वर्जन का मतलब भाई आज आपके पास 100 लोग आते हैं उसमें से सिर्फ 20 लोग कन्वर्ट होते हैं, तो जब आप सेल्स में मेहनत करेंगे तो 20 के 40 हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे बिजनेस को डबल कर लेंगे, ये सेल्स का सब्जेक्ट हुआ। ऑर्डर फुलफिलमेंट ऑपरेशन में क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों का टाइम जाता है और लोग क्या करते हैं इस वाली चीज पे टाइम लगाते रहते हैं, तो जब आप इस पे कायदे से काम करेंगे, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या होता है, टाइम, कि मेरा बहुत टाइम इसमें जाता है, जब आपका टाइम इसमें जाता है अपने आप को आप इस टाइम से फ्री करेंगे तो आप क्या करेंगे मार्केटिंग और सेल्स की तरफ जा पाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपका गोल ये है कि भाई मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूं, तो आपको उसी सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा जो सब्जेक्ट कमजोर, पहली चीज। दूसरी चीज आपको यह पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट में आज मेरे नंबर क्या है, तभी तो आप उस चीज पे मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता मैं आज कहां खड़ा हूं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। सो ये वाले जो नंबर होते हैं ये आपको क्या ताकत देते हैं, सबसे पहले ताकत देते हैं कहां मेहनत करूं, सेकंड जो मैं मेहनत कर रहा हूं क्या वो राइट डायरेक्शन में है, क्या वो सही जगह पे है, क्या मुझे वो रिजल्ट मिल रहे हैं जो मैं चाहता हूं। तो नंबर जो होते हैं आपको क्या करते हैं ये वाली ताकत देते हैं। अब इस चीज को आप लोगों के सामने एक एग्जांपल से करते हैं, ये आपके सामने डेटा है 2017 और 2018 का, 2 साल का डेटा किसी भी बिजनेस का। अब देखिए आप इस डेटा को देख के कैसे डिसीजन लेंगे, समझिएगा इस वाली बात को। तो इस बिजनेस का जो रेवेन्यू है इसे समझते ही आज 100 है, 2017 में 100 था, 2018 में 150 था,
तो बिजनेस ओनर के लिए तो बड़ी अच्छी बात है यार, भाई वाह 50% बिजनेस ग्रो कर गया, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन शायद ये अच्छी खबर ना हो, देखते हैं कैसे। ये जो 150 है, ये तीन नंबरों से बना हुआ है, न्यू से, रिपीट से और रेफरल से। न्यू का मतलब ये वो बिजनेस है जो नए कस्टमर आपके पास आए, रिपीट और रेफरल वो बिजनेस है जो पुराने कस्टमरों की वजह से आपका बिजनेस जनरेट हुआ। सो जो न्यू कस्टमर होता है वो किस चीज का फंक्शन होता है, मार्केटिंग का, कि भाई ज्यादा लोग आपके पास आए उस वाली चीज से। रिपीट बिजनेस आना और रेफरल बिजनेस आना किस चीज का फंक्शन होता है, इस चीज का फंक्शन होता है कि आपने कैसी सर्विस दी है, कैसी डिलीवरी दी है। सो जो न्यू का नंबर होता है वो मार्केटिंग का इंडिकेटर होता है, रिपीट और रेफरल का जो नंबर होता है वो डिलीवरी का इंडिकेटर होता है। सो इस बिजनेसमैन के लिए वाली खबर बड़ी अच्छी है, भाई 100 था हमारा पिछले साल 150 हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उसकी एक सतह नीचे घुसते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप न्यू बिजनेस को देखिए, यहाँ पे 50 था, इस साल भी 50 है। ये नंबर आपके लिए क्या है, एक रेड इंडिकेटर है। ये नंबर क्या है, रेड, वो सही नहीं है। इस चीज को ऐसे समझते हैं, देखिए रेवेन्यू गया ऊपर, बहुत अच्छी बात। न्यू बिजनेस सेम है, मतलब 50 का 50। रिपीट अप हो गया, मतलब 30 था, ये नंबर अब 60 पे पहुंच गया। और रेफरल अप हो गया, 20 था, अब 40 हो गया। इसका मतलब ये जो कंपनी है, ये कंपनी ऑपरेशंस में अच्छी है और ये डिलीवरी अच्छी देती है, लेकिन इस कंपनी में मार्केटिंग क्या बढ़िया है, इसने मार्केटिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि देखिए नंबर तो सेम है। अब मुझे बताइए, क्या मुझे इस कंपनी में जाने की जरूरत है? अब आप इस कंपनी के बिजनेस कंसल्टेंट बन जाइए और बताइए इस कंपनी के ओनर को किस जगह मेहनत करनी चाहिए। भाई ये आदमी खुश तो है लेकिन इसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, शायद अगर ये मार्केटिंग पे भी बहुत ध्यान दे लेता तो क्या करता, इसका बिजनेस और ग्रो कर गया। तो इसकी जो अच्छी खबर है, रेवेन्यू बढ़ा है, बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। और ये वाली ताकत इसे कैसे मिली? भाई ये वाले आदमी के पास अगर ये नंबर ना दें तो इस आदमी से आप बात करेंगे, कहेंगे हाँ भाई बिजनेस कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, 100 का 150 हो गया, 50% ग्रोथ मारी है इस बार, बहुत बढ़िया। लेकिन जब तक ये नहीं देखेगा तब तक क्या अपनी पता रहेगा, सच नहीं पता। तो यहाँ पे क्या था, इस बिजनेस ओनर की मार्केटिंग में मजेदार नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट किया मैंने, वेरिएशन समझिए, ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, 2017 है, 2018, यहाँ पे भी रेवेन्यू क्या हुआ, 100 है, 150 है। लेकिन यहाँ पे न्यू को देखिए जरा, न्यू में क्या है, बिजनेस 50 से 110 हो गया, मतलब नया बिजनेस 50 से 110 हो गया। रिपीट कितनी है, 30 थी, इस साल भी 30 है, यहाँ पे 20 थी और रेफरल कम हो गया। इसका मतलब क्या है, इस बिजनेस ओनर से पूछेंगे आप, हाँ भाई बिजनेस कैसा है? बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि 50% बढ़ गया, लेकिन सब कुछ बढ़िया नहीं है। यहाँ पे बिजनेस ओनर को आप क्या राय देंगे? आप बिजनेस ओनर को यहाँ पे ये कहेंगे, भैया देखो तुम्हारा बिजनेस ज्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिजनेस में क्वालिटी नहीं है, तुम क्वालिटी नहीं दे पा रहे, कुछ ना कुछ तुम्हारे ऑपरेशंस में गड़बड़ है। तो इसलिए क्या करो, ऑपरेशंस में जाओ और वो वाली चीज सही करो। अब मैं आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ इस वाली चीज में, और वो एक्सरसाइज ये है कि अपने नंबर जनरेट करिए, रेवेन्यू डालिए, न्यू डालिए, रिपीट डालिए, रेफरल डालिए, और उस वाली चीज को करिए और अपने डेटा को देखिए। ये वाला डेटा आपको आपके बिजनेस अकाउंट में मिल जाएगा, ये डेटा सबके पास अवेलेबल होता है, किसी के यहाँ टैली होता है, किसी के यहाँ बिज होता है, ये डेटा उसी के अंदर होता है। आप न्यू कैसे निकालेंगे कि भाई कोई भी नए कस्टमर जितने आए हैं 2020 में, वो उनसे जो सेल्स का वॉल्यूम जनरेट हुआ वो कहाँ जाएगा, न्यू में जाएगा। रिपीट में क्या जाएगा, हर वो कस्टमर जो पुराने सालों से चला आ रहा रिपीट का ऑर्डर दे रहा वो उसमें आ जाएगा। रेफरल हो सकता है आप लोग ना डाल पाए क्योंकि आप लोग ये वाली चीज स्टोर नहीं करते, क्योंकि आप कस्टमर से पूछते नहीं होंगे भाई कैसे आए, क्या किसी ने आपको बताया मेरे पास तक पहुंचे कैसे। तो उससे क्या होगा, अगर आपका रेफरल का नंबर नहीं है तो इसकी ज्यादा चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, रेफरल जो है क्या होगा बाद में आएगा। नंबर अगर आपके पास नहीं है अपने उनके, तो आप क्या कर रहे हैं, अंधेरे में चल रहे हैं और तुक्केबाजी में। जैसे हमने जो अभी पीछे अपने बिजनेस ओनर को देखा था, बिजनेस तो बढ़ा लेकिन पता नहीं कहाँ से बढ़ रहा, राइट? इसी तरीके से कभी घट जाएगा तो हवा नहीं लगेगी, कहाँ मेहनत करूं और क्या करूं। इसीलिए आपके जो बिजनेस नंबर की जो स्किल है, इस स्किल का कोई तोड़ नहीं है। जो टॉप के बिजनेसमैन होते हैं वो इस चीज में पक्के होते हैं, क्योंकि आप इसे समझिए, वो लोग बिजनेस के डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर का मतलब क्या हुआ कि भाई नर्व्स पे हाथ रखा और बता दिया शरीर में कहां पे दिक्कत है, पल्स पे हाथ होना चाहिए। तो हमारे बिजनेस में
हमारे सबके पास क्या होना चाहिए, थर्मामीटर होना चाहिए। अपने हर सब्जेक्ट में डिप किया और पता चल गया यार ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, एक्शन लेते। नहीं तो क्या होगा, रमेश जी की तरह ज्यादा पढ़ाई कर लो, ज्यादा मेहनत करते रहो, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट लाने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, कहाँ हूँ और कैसे कर। इसे ये देखते हैं कि अभी होता क्या है। बहुत सारे जो हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो मैंने पाई है ये वाली कुछ चीजें जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ख्वाब है कि अपना बिजनेस बड़ा करना, बहुत अच्छी बात है, ख्वाब देखना जरूरी है, लेकिन अगर गलत जगह पे जोर लगाते रहेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। बहुत सारे हमारे बिजनेस ओनर्स के साथ ये होता है, गोले में घूमते हैं। गोले में घूमने का क्या मतलब है, गोले में घूमने का मतलब है रोज सुबह गए बिजनेस में, कस्टमर का फोन उठाया, डिलीवरी का फोन उठाया, सेल्स वाले को कॉल किया, आदमी का इंतजाम किया और लौट के आ गए। लेकिन इससे क्या रिजल्ट आने वाला है? देखिए, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइट जगह पर मेहनत करना उससे भी जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे हमारे लोग होते हैं जो बिजनेस में काम करते रहते हैं, बिजनेस पर काम नहीं करते। आपने बिजनेस इसलिए नहीं बनाया था कि उसके अंदर बैठ के कोलू के बैल की तरह बस हल चलाते रहो। आपने बिजनेस इसलिए बनाया था कि भाई अपने ख्वाब पूरे कर सको, स्ट्रेस फ्री रह सको, फ्री रह सको, जो चाहो वो कर सको। इसलिए आपके जानना बहुत जरूरी होता है कहाँ मेहनत करो, राइट? सो गोले में नहीं घूमना, बिजनेस में काम नहीं करना, बिजनेस पर काम करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं होना क्या चाहिए आइडियली। आप लोगों ने गूगल मैप देखा, गूगल मैप में क्या होता है, गूगल मैप के सामने आप खड़े हो जाइए और गूगल मैप से कहिए, बाहर खड़े होके उससे बात करिए, कहना यार मुझे गूगल मैप कहीं ले चलो यार, तो गूगल मैप क्या करेगा, वैसे ही बैठा रहेगा, कुछ कहेगा नहीं। फिर आप उससे कहोगे भाई गूगल मैप मुझे कहीं जाना है, मुझे घूमने जाना है, गूगल मैप फिर बैठा रहेगा। गूगल मैप आपसे पूछेगा भैया मुझे वो बताओ जाना कहाँ है, तो आप उसमें क्या डालते हो, एड्रेस। जब आप उसमें एड्रेस डालते हो तो क्या करता है, रास्ता बना देता है। तो हमारे पास ये पता होना चाहिए हमें जाना कहाँ है, तभी रास्ता बनेगा, नहीं तो रास्ता नहीं बनेगा। दूसरी चीज, हमारे पास डैशबोर्ड होना चाहिए। आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं, आप जब कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आपने देखा ना उसमें डैशबोर्ड बना हुआ होता है, उसमें स्पीडोमीटर की सुई होती है जो कहती है 80 पे चल रहे हैं। जो लोग तेज नहीं चलाते वो 80 पे चलते हैं, कहते हैं अरे यार बहुत तेज चला रहा हूँ, धीरे कर लेता हूँ। मान लीजिए अगर आपकी कार में, अगर आपकी बाइक में फ्यूल का इंडिकेटर ना हो तो कितनी परेशानी होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा तेल कब खत्म हो रहा है। वो इंडिकेटर क्या करता है, आपको बताता है कि भाई ऐसा है, तेल पड़वा लो, खत्म हो गया, रिजर्व में आ गया। तो क्या होता है, वो इंडिकेटर्स होते हैं। तो आपको किस जगह पे एफर्ट मारना है, उस जगह के लिए जो आपको टूल्स होते हैं वो आपके नंबर और डेटा होता है, जो आपकी मदद करता है और जो आपको उस जगह पे लेके जा सकता है। सो आप जब सुबह अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एक घंटा ऐसा नहीं होता हमारे बिजनेस की मुझे पता ना हो कि कितने लीड आई, कितनी सेल हुई, ठीक है, क्या क्या हो गया, ये सब अपने आप आता रहता। तो ये जो सिस्टम है वैसा नहीं है कि मुझे जाके कहीं देखना होता, आपको सिस्टम ऐसा बनाना होता है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती रहे। इसे पुल सिस्टम कहते हैं, पुल मतलब आपके पास आए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी मुझे सोचने पर हैरानी भी होती है कि लोग करते क्यों नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है लोग फिर भी नहीं करते, क्या चक्कर है। सबसे पहले जब हमने पाया, जब बात करी लोगों से, सर टाइम नहीं, क्वेश्चन ये है किस चीज के लिए टाइम नहीं है भाई, सोचिए किस चीज के लिए टाइम नहीं है। इस चीज के लिए टाइम नहीं है कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, तो क्या कर रहे हैं बिजनेस में आके, नौकरी कर लीजिए ना, तो आपका वैसी चलती रहेगी जिंदगी और ज्यादा पैसे कमाएंगे नौकरी में और ज्यादा चैन से कमाएंगे। बिजनेस किसी उसके ख्वाब देख के किया ना, उसको पूरा करने के लिए टाइम नहीं है और सही तरीके से टाइम नहीं है। मतलब ये वाली बात है, कोहली के पास जाओगे और आप उससे कहोगे कि भाई मेरे पास ना कोहली जी प्रैक्टिस कर लीजिए, कहेगा नहीं सर टाइम नहीं है मैच को। अरे मैच में खेलने के लिए ही तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है, नहीं तो कैसे वहां पे परफॉर्म करेंगे अगर नहीं करेंगे। दूसरी चीज, ये बहुत जेन्युइन वजह है, नॉलेज कि भाई आता नहीं है क्या करना। कोई बात नहीं, बहुत लोग मतलब सब लोग सीखते ही हैं, कोई ऐसी चीज तो नहीं है नहीं आता, मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन खराब बात क्या है, खराब बात यह है कि आता नहीं है क्या करना लेकिन फिर भी नहीं सीखते हैं, ये दिक्कत है। तीसरी चीज क्या है, मेरे पास जो मैंने पाया, मेरे पास नंबर तो है पर उसको कैसे यूज करें, ये भी नॉलेज का काम, सीख ली। देखिए
आप सब लोगों ने साइकिल चलाना सीखी होगी, साइकिल चलाई है सब लोगों ने। आज से 25 साल बाद भी आपको साइकिल दे दूंगा, आप चला लेंगे। वन टाइम स्किल होती है साइकिल चलाना, आपकी बॉडी क्या होता है बैलेंस सीख जाती है। इसी तरीके से ये वाली जो चीज है नंबर की जो आर्ट है, ये एक ही बार की तो है, एक बार सीख गए तो सीख गए, उसका जिंदगी भर इस्तेमाल करते रहो और जिंदगी भर उससे आगे बढ़ते रहो। तो इस वाली नॉलेज पे लगाइए, सीखिए। ये वो वाली बात है कि एक आदमी जो लकड़ी काटने जाता है, वो कह रहा मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाना? क्यों, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए टाइम नहीं है तो पेड़ कैसे काटोगे? ये कितना मतलब आप सोचिए, कॉन्ट्रडिक्टरी आर्ग्यूमेंट है ये वाला। करिए भाई, और ये वाली आर्ट है, इसके बिना काम, ये लग्जरी नहीं है जो मैं आपको नंबर वाली चीज बता रहा हूँ। ये जरूरत है, ये आनी चाहिए, ये टॉप स्किल होती है बिजनेस ओनर की। नहीं तो इसके बिना आप काम ही नहीं, आपके पास सेंस ही नहीं होगी, तुक्केबाजी से चल रही होंगी सारी की सारी चीजें। तो आप लोग एक बार फिर से बताना चाहता हूँ क्विकली, जो नंबर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको ताकत देते हैं किस चीज की? दूर बैठे बैठे रिमोटली बैठ के काम करने नहीं है, समझ जाने की। दूसरी चीज, आपकी बहुत सारी सेविंग करवाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कहाँ मेहनत करनी है कहाँ नहीं करनी, आपको फोकस करने का वो देती है और ताकत देती है और आप कंट्रोल में रहते हैं। ये होती है नंबर की ताकत। और नंबर जो है ये चॉइस नहीं है, ये आनी ही चाहिए आपको, नहीं आती तो ये बेसिक स्किल है बिजनेस ओनर की, बेसिक। ये कोई वो वाली स्किल नहीं है कि मतलब बहुत वो आ गई। और मैं आपको बता दूं, इस बेसिक स्किल में लोग ट्रेंड ही नहीं होते। मतलब आप ये वो वाली बात सोच लो कि लोग, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो ट्रेंड ही नहीं होते हैं बिजनेस करने के लिए। क्या होते हैं? वैसे सीख गए, करते करते चीजों को सीख गए, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से जो आदमी करता है वो आदमी क्या करता है, वो बेटर हो जाता है। विराट कोहली ऐसी विराट कोहली नहीं बन गया, उसने कायदे से प्रैक्टिस करी होगी। भाई क्रिकेट तो हम भी खेलते थे, आप भी खेलते थे, सबका, मेरा भी एक दिन ख्वाब था इंडिया के लिए खेले। कैसे खेलते हैं? गली में खेल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने आप ही करेगा। उसको मेहनत करी नहीं करी तो वैसे रिजल्ट आएंगे। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज, मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूँ। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं।
और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे CA, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। सो इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।